नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब। क्यूब को आज मैं लगभग पूरे 19 तक बता दूंगा, बचेगा 10। मैं आपके लिए आपके ऊपर छोड़ता हूं, या फिर अगर आप ऐसा मुझे लगता है कि नहीं बता देना चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा। और रही बात 14 तक, मैंने आपको, आपने देखा रहेगा कि मैं आपको कहां से बता रहा हूं। पहले तो मैंने 21 से बताया था, ठीक है, 11 से बताया था। 1 से 10 तक तो आपको याद ही हो सकता है, वो तो सिंपल सा कोई भी बता सकता है, बच्चा भी 1 से 10 तक। 11 से मैंने 20 तक बताया था, 21 से लेकर 30 तक। उसके बाद का मैंने सारा का सारा पीडीएफ अवेलेबल करा दिया था, टोटल 15 तक। अगर आप नहीं देखे हैं 15 तक पूरा का पूरा, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां पे जाके क्लिक करिए, मुझसे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे मैंने पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया है टोटल 15 तक, ठीक है। पहले आप वीडियो देख लीजिए वहां तक, क्योंकि उसमें पीडीएफ में नहीं है वो सब। अगर आपने 11 से 20 और 20 से 30 तक नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर वहां पे टेलीग्राम पे क्लिक करके आप पहुंच जाइए, आपको 50 तक पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में है, अगर आप चाहते हो वो भी इजी करने के लिए तो नीचे कमेंट दिया हुआ है, तुरंत कमेंट करिए, मैं तुरंत आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा और ज्यादा इजी वे में। अगर आपको वो चीजें नहीं समझ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज हम 71 से 79 तक, 81 से 89 तक फटाफट देखिए किस स्पीड से देखते हैं, और फटाफट आपको तुरंत जगह पे याद होता है। जगह पे मतलब यहीं पे अभी खड़े खड़े आप जितने मेरे वीडियो देखने वाले हो पूरा का पूरा तुरंत याद हो जाएगा। जैसे आप मेरा वीडियो खत्म करेंगे, आप एक नोटबुक लीजिए, आप पेन लीजिए, आप फटाफट नहीं आंसर देंगे तो मैं नाम मार दूंगा, ठीक है। आप फटाफट आंसर देंगे किस तरह से, देखिए 71 पे काइट है, 71 पे काइट है, ये जो नंबर से वर्ड बन रहे हैं ये तो आपको ही करना है, ये तो आपको ही करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इस नंबर को वर्ड में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, गारंटी देता हूँ आप इसको कर लेंगे, ठीक है। आप 10-10 एक ही बार लिख लीजिए इसको, कि जिस तरह से मैंने करेक्ट कर करके बताया हुआ है अलग अलग, कि 71 को क्या बोलते हैं, 72 पे क्या बोलते हैं, ऐसे 79 पे, 81 पे, 89 पे, आप करिए इसको, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप करें, आप ऐसे 10-10 करके एक बार लिख लीजिए, फिर आप एक बार इसको कर लेंगे तो आपको एलिमेंट, ये जितनी भी सारी चीजें, क्योंकि मेरी सारी चीजें एक ही चीजों से जुड़ी हुई है, सारी की सारी ट्रिक एक ट्रिक से जुड़ी हुई है। जिस तरह से नंबर्स को आपने चेंज कर लिया, उसी दिन आप आधी 15 चीजें, आप 50% चीजें आपको वहीं पे खत्म हो जाएंगी। और इसी का यूज करके मैं आपको नंबर्स मेमोराइज करके दिखाऊंगा, एक मेरा ऐसा सेशन, लाइव सेशन होगा। आप नंबर्स मुझे बोलेंगे, मैं 15 के 15 नंबर्स, आप जितने नंबर्स बोलेंगे उतने नंबर्स को बोर्ड पे लिख के मैं आपके सामने याद करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो भी मैं करूंगा, बट आप अभी मैं जितना बोलता हूँ आप उतना करिए, लास्ट दिन मजा आ जाएगा, ठीक है। 71 पे काइट है तो काइट, 72 पे कैन, कॉम, कॉम, कार, कोल, ठीक है, और केज, काका, कॉफी, कैप, फैट, फैन, एफएम, फायर, फाइल, फिश, पिक, पाइप, पीआईपी, देखिए किस तरह से बनता है। देखें 71 पे काइट है, काइट से मालिक पेट, आप ऐसा इमेजिन करिए कि जो काइट है वो मालिक के पेट में है। आपसे किसी ने पूछा कि बताओ काइट कहाँ है, तो आपने बोला कि वो देखो मालिक का पेट इतना सूजा रहता है, आपने बोला कि वो देखो मालिक के पेट में है, ठीक है। कितना ज्यादा कॉमेडी है, कितना ज्यादा फनी है, आप फटाफट इसको याद कर सकते हैं। मैंने दो चीजें हमेशा बोला है, कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट, कॉमेडी इमेज बनाइए उसको फनी रिलेट करा दीजिए, ठीक है। तो आपने बोला कि वो काइट कहाँ पे है, मालिक के पेट में है, तो मालिक के पेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए मालिक के पेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2, 5, ठीक है, यहाँ पे 3, ये मालिक है ना, 3 और 5, 7, 9, 1, ठीक है, लास्ट में 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 6 डिजिट्स हो गए, 336, ठीक है, ये हो गए 6 डिजिट, ठीक है, मालिक के पेट में। नेक्स्ट 72 पे कैन है, कैन, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास मैंने एक कैन रखा और आपने ऐसा मुक्का मारा, ठीक है, जोर से आपने उसको मुक्का मारा, जैसे आपने मुक्का मारा उसको वो मीनार पे, मुक्का है, ठीक है, एक ही के रहेगा, दो भी लगा लीजिए क्यों, हमको कंसीडर तो एक ही करना है, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। तो मुक्का मीनार, तो मुक्का आपने जोर से उस कैन को मारा तो मुक्का कहां पे गया, मीनार पे चढ़ गया, ठीक है, मीनार तक पहुंच गया उस मुक्के को, आपने इतनी जोर से मारा कि वो कैन कहां पे चले गया, मीनार पे, तो क्या आपने मारा, मुक्का मारा मीनार पे, कैन गया, तो मुक्का मारा कैन को, तो सॉरी कैन को मुक्का मारा तो कहां गया वो, मीनार पे, तो उसको ब्रेक करिए क्या होगा, 3, 7, 3, 2, 4, लास्ट में यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 का क्या होता है, 8, ठीक है, तो कितना हो गया, 2, 4, 6, ये 6 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट 73 पे कोम, कोम मतलब कंघी होता है, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, COM भी होता है, बट यहाँ पे हम कोम पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमको यहाँ पे कोम ही चाहिए, तो आपसे आज से आप कोम की स्पेलिंग क्या बोलेंगे, COM, ठीक है, COM, बट वो भी रियल वाला याद करिए, नहीं तो बाद में बोलेंगे कि रॉन्ग हो गया, ठीक है, रियल वाला भी समझिए, बट यहाँ पे हमको ये समझना है तो ये भी चीजें समझने के लिए कर लीजिए, ठीक है। 73 पे कोम है, तो कोम पे क्या है, माफिया बेस्ट, तो कोम मतलब कंघी, तो उन्हीं लोग के पास होता है जो माफिया में बेस्ट होते हैं, ठीक है, माफिया में
बेस्ट होते हैं, जो माफियों का सरदार होता है, माफिया बेस्ट, उनके पास ही वो कोम होता है, कंघी होती है, बाकी आपके पास भी कंघी नहीं, क्यों? क्योंकि आप माफिया नहीं है। ऐसा इमेजिन करिए, ठीक है, बोलिए ऐसा बार बार, समझिए, जिस तरह से समझेंगे उतनी ज्यादा चीज याद होगी। तो आप माफिया बेस्ट रहेंगे तो ही आपके पास कोम होगा। तो माफिया बेस्ट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एम से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 1, अब 3 है, 3 का क्या हो जाएगा 7, तो 3 3 6 है, नंबर्स हो गए 6 नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, 74 पे कार, कार पे आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप कार में बैठे हुए, अपने नानी के साथ में, किसके साथ बैठे हुए, नानी के साथ में आप बैठे हुए हो, और नानी को बोल रहे हो कि नानी आरएस लो, नानी आरएस, आरएस समझ रहे हो आप, ठीक है, जो मैंने हमेशा यूज किया वर्ड वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आरएस लो नानी, आरएस लो नानी, समझिए आप ऐसे कि नानी आपके कार में बैठी हुई है, नानी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा क्या हो जा रही है, स्ट्रेस ले रही है। तो आपने उनको क्या बोला कि नानी पहले स्ट्रेस रिलीफ लीजिए और आरएस को पीजिए, आरएस जैसे आप पियेंगे आपको ताकत आ जाएगा, ठीक है। तो आपने उनको क्या बोला, आरएस लो नानी, आरएस लो नानी, आरएस को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 40522, ठीक है। एक लास्ट का जो यूनिट होता है वो हमारा सेम, हम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा यूनिट कौन सा है, अगर 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 8, 8 होगा तो 2, 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3, बाकी सब नंबर एज इट इज, ठीक है। कोल, कोल का आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कोल का क्या करेंगे आप मुझे बताएंगे, इसका होता है 42187, 42175, ठीक है। तो कोल का आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या होगा, कमेंट करके नीचे, कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता करना, आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको ये आया कि नहीं आया, कमेंट करिए, मुझे कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। 72 में कोल, तो कोल का क्या हो गया, 42185, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट 73 पे केज, केज का क्या है, राम एफबी को, केज मतलब होता है पिंजरा, तो राम एफबी को कहां पे रखता है, एफबी मतलब फेसबुक, राम फेसबुक कहां पे रखता है, केज में, वहां से केज से निकालता है तभी वो चलाता है, नहीं तो जैसे उसका यूज खत्म होता है, राम उठा के फेसबुक को कहां रख देता है, केज में, ठीक है। तो राम एफबी को केज में रखता है, राम एफबी को कहां रखता है, केज में, तो राम को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 43, ठीक है, अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, तो 3, लास्ट का 6 है तो 6, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 77 काका, रोल सोले में, रोल सोले में 77 पे क्या है, काका, रोल सोले में, तो अब काका को रोल कहां मिला, सोले मूवी में, ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। तो सोले मूवी में रोल किसको मिला, आपके काका को, आप ऐसा इमेजिन करिए कि सोले मूवी में रोल मिला है किसको, आपके काका को, तो काका को कहां पे रोल मिला, सोले मूवी में, तो रोल सोले मूवी में, ठीक है, रोल सोले में, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 45, ठीक है, 45 SH और CH मैंने बताया था 6 में, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, लास्ट का यूनिट क्या है, 7, 7 का क्या होता है, 3, ये हो गए 6 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, 78 पे कॉफी, तो कॉफी पे क्या है, रुक रे लालू, ठीक है, रुक रे लालू, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके घर पे लालू आया था, बहुत ज्यादा दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते आया और आपको बोलता है कि चल तू मेरे साथ, ठीक है, लेकिन आपने बोला कि रुक रुक जा जरा, लेकिन वो रुका नहीं और भागने लगा, क्या होने लगा, भागने लगा, बोलता तू मत जा लेकिन मैं जाऊंगा, भागने लगा वो, और जब वो भागने लगा तो आपने उसको बोला रुक रे लालू कॉफी तो पी ले, क्या बोला, रुक रे लालू कॉफी तो पी ले, रुक रे लालू को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 47455, ठीक है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, ये हो गया 6 यूनिट, ठीक है। अब 79 पे कैब दिया, कैब क्या लिया है, रब मासूम, 79 पे कैब रब मासूम, तो रब मासूम, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है और आप भगवान से मना रहे हैं कि भगवान मुझे एक कैब दिला दो, एक कैब दिला दो, मैं अपनी जिंदगी संवार लूंगा, आप ऐसे भगवान से बोल रहे हैं, उसी समय भगवान आपको ऐसा शक्ति देते हैं और आपके पास एक कैब आ जाती है, अब आप खुश हो जाते हैं, तो बोले आपने बोला खुशी में कि रब कितना मासूम है, ठीक है, कितना मासूम, मेरे इतने कहने पे उसने मुझे ये कैब दे दिया, ठीक है। तो रब मासूम को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 49303, ठीक है, लास्ट में 9 है तो 9, इमेजिन करिए, इमेजिन, जितना ज्यादा इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो जितना मैं बोलता हूँ आप उसको फटाफट इमेजिन करते जाए, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन स्ट्रांग करिए, जितना ज्यादा इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 81, ठीक है, 81 पे क्या है, 5, लेम डर रहा है, इधर देखिए 81 पे फैट है, तो फैट में लेम डर रहा है, लेम मैंने आपको बताया था, लेम मतलब होता है लंगड़ा, तो लेम डर रहा है, लेम एक व्यक्ति है जो कि आपसे डर रहा है, क्यों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फैटी हो, बहुत ज्यादा मोटे हो, तो फैटी आदमी से कौन डरता है,
लेम लेम व्यक्ति डर रहा है, तो लेम को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5 3 1 4 4, ठीक है लास्ट में माने तो 1, ये हो गए 6 डिजिट, ठीक है 5 3 1 4 4 1। तो लेम व्यक्ति लेम डर रहा है किससे, फैट व्यक्ति से। नेक्स्ट फैन ले लो डैमेज, ठीक है आप एक रिश्तेदार के घर पे जाते हो और वहां पे एक फैन पड़ा रहता है, वो फैन आप पे आपकी नजर जाती है, वो फैन बहुत ज्यादा शानदार दिखता है, गोल्डन कलर का होता है, ठीक है तो आप बोलते हो कि ये फैन मैं ले लूं, तो वो बोलते हैं कि ले लो डैमेज है, क्या है डैमेज है खराब है, ठीक है तो आपने बोला कि फैन ले लो, तो आपके रिश्तेदार ने रिप्लाई दिया कि ले लो डैमेज है, ठीक है वैसे भी डैमेज है ले लो, तो ले लो डैमेज है। तो यहाँ पे 5 5 1 3 6, लास्ट में 2 है तो 8 आएगा, ठीक है कितने यूनिट हो गए 6। नेक्स्ट 83 पे एफएम, एफएम पे क्या है लकड़ी कॉफी, ठीक है लड़की नहीं है लकड़ी है, ठीक है इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करिए, लड़की नहीं लकड़ी। तो एफएम पे आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप घर पे शांति में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, अचानक एफएम बजा, एफएम पे बोलता है कि एफएम में दिखा रहा था कि एफएम मतलब बोल रहा था कि एक लकड़ी को चाय पिला रहे, ठीक है एक लकड़ी को चाय पिला रहे, सोचिए लकड़ी को चाय पीती है लेकिन उसमें क्या हो रहा था, लकड़ी को चाय पिला रहा था। तो लकड़ी आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप घर पे बैठे हो एफएम सुन रहे हो और उसमें बोला गया कि लकड़ी चाय पी ले, लकड़ी चाय पी ले, लकड़ी कैसे चाय पिएगी, ठीक है तो अब आप यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 5 7 1 7 8, ठीक है 3 3 यूनिट, 3 का क्या होता है 7, तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 5 84 पे 5। अब लैब, लैब में पूरी आग लग गई और पूरे आग लगने के वजह से फायर मतलब आग, ठीक है पूरे लैब में फायर हो गया, आग लग गया जिसकी वजह से जिसमें जितने भी नक्शे थे, जितने भी नक्शे रिलेटेड थे इंडिया से, सबके सब जल गए, ठीक है ऐसा इमेजिन करिए कि आपके लैब में आग लग गया और पूरा का पूरा नक्शा जल गया, ठीक है तो फायर, फायर जैसे आप सुनेंगे आपको लैब नक्शे याद आना चाहिए, ठीक है लैब में आग लग गया पूरे नक्शे खराब हो गए, तो इसको लैब को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 5 9 3 7 0, लास्ट में 4 है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है ये हो गए 3 डिजिट्स। नेक्स्ट फाइल, 85 पे फाइल है, ठीक है फाइल पे क्या है Z Road 2, क्या है Z Road 2। आपको आप घर पे पहुंचे, ठीक है आप जैसे घर पे पहुंचते हैं तो आपके पापा बोलते हैं फाइल कहाँ है, ठीक है ये मैंने पहले भी स्टोरी बताई है, आप भी बता, आज भी बता रहा हूँ बट इसको स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप जा रहे थे दुबई, ठीक है आप दुबई जा रहे थे बट आपने इमेजिन किया कि जब दुबई पहुंचे तो आपका फाइल आपके हाथ में था ही नहीं, आपका फाइल आपके हाथ में था ही नहीं, सोचिए दुबई पहुंच गए तब पता चला कि फाइल में लाया ही नहीं, वो फाइल आप कहां छोड़ के आ गए Z Road 2 पे, Z Road 2 पे छोड़ के आ गए, Z Road 2 पे छोड़ के आ गए, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 6 1 4 1 2, ठीक है लास्ट में 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, समझ गया। नेक्स्ट 86 पे फीस है, ठीक है फीस, फीस का क्या है गमछा से, आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक जगह फीस रखी हुई थी एक जगह गमछा रखा हुआ था, तो आपको एक व्यक्ति आता है फीस मांगता है, बोलता है कि मुझे फीस सेल कर दीजिए, मुझे बेच दीजिए कि बताइए सेल मच्छी का क्या प्राइस है, तो आप ऐसे इधर उधर देख रहे थे और आपने गमछा उठा लिया, ठीक है और गमछा उठा के उसको सेल कर दिया, बेच दिया, ठीक है गमछा सेल कर दिया किसको, फीस की जगह पे आपने क्या बेच दिया गमछा, इमेजिन करिए, इमेजिन कि आप ऐसे इधर उधर देख रहे थे, आप सॉन्ग सुन रहे थे कान बंद करके, आपसे फीस मांगा गया आपने गमछा देके बेच दिया, उसको सेल कर दिया, गमछा को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 6 3, ठीक है यहाँ पे CH है तो यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे 0 5, लास्ट यूनिट 6 है इसलिए 6 आ जाएगा, ठीक है तो ये टोटल 6 यूनिट हो गए। नेक्स्ट 87 वीक, 87 पे क्या है वीक, ये मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है 88 पे क्या है वाइफ, वाइफ का क्या है एक मिनट, ये जो मैं आपको बोलता हूँ आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए नहीं तो ये छूट जाएगा हमेशा के लिए, एज इट इज पड़ा रह जाएगा, ठीक है इसको आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या करिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और जो चीजें बताता हूँ अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप क्या करेंगे मुझे कमेंट करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीजें नहीं आ रही है और मैं उसको क्या करूंगा बताऊंगा, ठीक है तो जितना हो सके पॉसिबल हो सके खुद से ट्राई करिए और नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट तो वाइफ, वाइफ में क्या है GK ट्रक, ठीक है GK ट्रक, तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप अपने वाइफ के साथ में जा रहे थे कहीं पे घूमने, ठीक है आप अपनी वाइफ के साथ में जा रहे थे घूमने और आपने देखा कि आपकी GF जो कि पहले आपकी GF थी वो ट्रक चला रही है, ठीक है क्या कर रही है वो ट्रक चला रही है, तो आपने अपनी GF को देखा बोला GF ट्रक चला रही है, आपने अपने वाइफ को बोला देखो मेरी GF ट्रक चला रही है, ठीक है तो GF ट्रक चला रही है, तो GF से क्या हो जाएगा 80, यहां से F है तो 7 हो जाएगा,
यहाँ से वन, यहाँ से फोर, यहाँ से सेवन, लास्ट में एट है तो यहाँ पे टू, सिक्स यूनिट्स हो गए। ठीक है, अभी क्या दिया है 89 पे वीआईपी कसूर बाजार। ठीक है, आपको सब वीआईपी बोल रहे हैं, क्या रीजन है? आपसे एक लड़के ने पूछा कि आप वीआईपी हैं बट आप लगते तो नहीं है, कपड़ों से भी नहीं लग रहे हैं, मुंह से भी नहीं लग रहे हैं, तो आप वीआईपी कैसे हो गए? तो आपने बोला कि इस कसूर बाजे का है, आपने जो गले में बाजा लटकाया हुआ था उसको बोला कि इस कसूर इस बाजे का है, इसके वजह से मुझे सब लोग वीआईपी बोल रहे हैं। मैंने बाजा लटकाया था, बाजा आप समझते होंगे जो गांव में बजाते थे, ठीक है, जिसको ढोल बोलते हैं यहाँ पे, तो कसूर बाजे का है जिसके वजह से मुझे वीआईपी बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप अगर कभी भी बाजा पहनेंगे तो आप कौन होंगे? वीआईपी होंगे। तो किसका कसूर है? पूरा का पूरा बाजे का कसूर है। ठीक है, तो यहाँ पे 70496, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी कितने हो गए? 6। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे दिया है और एक यहाँ पे होमवर्क दे दिया। ठीक है, आप मुझे इसको ट्राई करके ही बता, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ तक बताइए। तो यहाँ पे मैंने आपको दो दिया हुआ है, पहले का मुझे आपको बताना है। ठीक है, इसका है 42 18 75। ठीक है, अब इसका भी आप मुझे बताएंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो मालिक पेट का ये हो गया। ठीक है, कैन का मुक्का मिला, इसको ब्रेक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और फिर कैन कॉम कौन करता है? माफिया बेस्ट, जो बेस्ट होता है वही करता है माफिया बेस्ट। कार का क्या है? आर एस लोनानी का क्या हो जाएगा? इसको ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, कोल का आप मुझे बताएंगे। केज राम एफबी को कहां पर रखता है? केज में रखता है। राम जैसे एफबी को यूज करता है उसको कहां डाल देता है? केज में डाल देता है। ठीक है, रोले आपके काका को कहां पे रोल मिला हुआ है? शोले मूवी में। शोले को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 456533 बरोबर है। ठीक है, तो आपके काका को किस में रोल मिला हुआ है? शोले मूवी मिला हुआ है। अब कॉफी, ठीक है, कॉफी में क्या है? रुक रे लालू, आप कॉफी पीने आए थे लालू, आपने बोला कि रुक जा लालू कॉफी पी ले तब जा, तो रुक ले रे लालू का ब्रेक करेंगे तो 47 बरोबर है। रब मासूम कैब, आप बहुत ज्यादा उदास थे, आप कैब चाहिए था, कैब आपको रब ने दिया तो आपने बोला कि रब जा बहुत ज्यादा क्या है मासूम है, तो 4963 बरोबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फैट आदमी से कौन डरता है? लेम आदमी डरता है, तो लेम डर रहा है किससे? फैट आदमी से डर रहा है। जितनी ज्यादा स्पीड में हो सके उतनी ज्यादा स्पीड में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको आंसर किसमें देना है? फास्ट में देना है। नेक्स्ट 82 फैन ले लो डैमेज, ठीक है, 5513 बरोबर है। फैन आपने अपने रिलेशनशिप में बोला किसी से, उन्होंने बोला ले लो डैमेज है। ठीक है, FM लड़की को कॉफी पिला रहा था, लकड़ी को क्या कर रहा था? कॉफी पिला रहा था। FM में आप घर पे बैठ के आराम से FM सुन रहे थे, उसमें सुना कि एक लकड़ी को कॉफी पिलाया जा रहा है, वाह वाह क्या बात है। ठीक है, फायर 84 पे फायर, तो फायर पे क्या है? लैब, ठीक है, लैब में जितने नक्शे थे सबके सब क्या हो गए? जल गए। अगर लैब को ब्रेक करेंगे, हाँ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे टू आएगा क्योंकि यहाँ पे एन दिया हुआ है ना कि एम है। ठीक है, मेरी मिस्टेक से हो गया, यहाँ पे ऐसे मिस्टेक आप लोग करिए मत। ठीक है, तो नक्शे में क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। फायर में क्या हो गया? जेट रो टू, तो ये भी बरोबर है, जेट रो टू। 86 पे फिस में क्या है? गमछा लपेट के दे दिया आपने, गमछा सेल कर दिया, सॉरी फिस के में आपने क्या दे दिया? गमछा सेल, तो ये क्या है अभी? फिस, आपने क्या कर दिया? गमछा सेल कर दिया। ठीक है, आपने गमछा सेल कर दिया। नेक्स्ट क्या है? 85 और 07। ठीक है, ये है वीक का, तो आप इसको कनेक्ट करके मुझे बताएंगे, इसको कवर करेंगे, सॉरी इसको वर्ड में बताएंगे कि इसका क्या है। नेक्स्ट 88 पे वाइफ है, वाइफ पे क्या है? जीएफ ट्रक पे 87, इसको बेबी बरोबर है। ठीक है, एक मिनट, जीएफ यहाँ पे सॉरी मिस्टेक्स, 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 67 आएगा। ठीक है, वीआईपी पे क्या है? कसूर बाजा, आप बाजा लटका के घूम रहे हैं तो किसका कसूर है? बाजे का कसूर है। ठीक है, तो बाजा इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? ये नंबर से आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 89। 90 का नहीं बताऊंगा, 90 का एकदम सिंपल होता है, आप खुद से भी कर सकते हैं उसको। तो अब ये हो गए किसके? ये टोटल हो गए, सॉरी यहाँ पे 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, 3। ठीक है, तो 7 पे 3 आएगा, क्यों? क्योंकि 3 पे 7 होता है, 7 पे 3, ये मैं बार बार बोलता हूं और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो 87 पे 3 आएगा लास्ट में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? जीएफ यहाँ पे 6 ना कि 8 रहेगा। ठीक है, 6 रहेगा, तो जीएफ ट्रैक में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 ना कि 8, मैंने 8 लिख दिया था, 6 है। और वीआईपी कसूर बाजा, ठीक है, यहाँ पे ये भी कसूर बाजा बरोबर है। ठीक है, तो ये होगा टोटल 89। 90 का मैं नहीं बताऊंगा, 90 का आपको करना है, तो टोटल 90 हो गए। इसके बाद जो होगा, इसके बाद का
मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। 10 ही और बचे हुए हैं, 10 हो जाएंगे, टोटल 100 हो जाएंगे। और आप प्रैक्टिस करिए, मैं किस गारंटी बोलता हूँ आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही मेन है इसमें, इस खेल में पूरी की पूरी चीजें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जिस तरह से मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार मैं भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को, अगर आप अपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर दीजिए, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा लग रहा है लाइक करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने क्यों डिसलाइक किया, ताकि मैं उन चीजों को सुधार के आपसे लाइक करवा सकूं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये हो गए टोटल 89, इसके बाद मिलते हैं जस्ट 10 और लेके। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए।